पिछले 10 वर्ष में पूरे देश में अथवा हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर की नई नई योजनाएं जो हमने शिलान्यास की उनका उद्घाटन किया। ये भी हो सकता है कि कुछ शिलान्यास हमारी सरकार आने से पहले के हुए हो, उन्होंने तो शायद पत्थर लगा के छोड़ दिया होगा शिलान्यास का, लेकिन अंतोगत्वा हमने उनका भी सबका उद्घाटन किया। और एक नई बात, आज भी जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हम कर रहे हैं इसका उद्घाटन भी हमको ही करना है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कर कमलों से आज 3,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 679 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास एक साथ हो रहा है। करनाल स्मार्ट सिटी के अंतर्गत करनाल में फ्लाईओवर और रेल सड़क निर्माण के लिए 127 करोड़ से अधिक की राशि से विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया जा रहा है। पानीपत में लोक निर्माण विभाग की CRF स्कीम द्वारा 87 करोड़ की लागत से तैयार यमुना ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला से प्रदेश भर के लिए 4200 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि पंचकुला में जल्द ही मेट्रो आएगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद मई जून में और भी प्रोजेक्टों की शुरुआत की घोषणा की। सीएम ने कहा कि लोग भी मानते हैं कि विकास में हरियाणा पंजाब से आगे निकल चुका है। वही बात अगर पानीपत की करें तो पानीपत में 24 विभिन्न परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत जिले को दी है। इसमें विभिन्न खंडों की 17 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया व 7 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इन परियोजनाओं पर 115 करोड़ 58 लाख 86 हजार की लागत का अनुमान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से इन 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। अतुलापुर से छाजपुर खुर्द तक नई सड़क की आधारशिला रखी गई है। इसके अलावा BDPO कार्यालय मतलोड़ा की आधारशिला रखी गई। वहीं अतुलापुर से जलालपुर तक नई सड़क की आधारशिला भी रखी गई है, जिसकी लागत 115.74 लाख रुपए है। वहीं गन्नौर शाहपुर सड़क के नवीनीकरण की आधारशिला रखी गई। भैंसवाल अप्रोच सड़क पर कंक्रीट ब्लॉक के काम की आधारशिला भी रखी गई। इसके अलावा रजापुर से ददलाना सड़क के नवीनीकरण की, शिमला मोलाना से चंदोली तक सड़क के नवीनीकरण की आधारशिला भी रखी गई है। आज माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में 4,223 करोड़ का परियोजनाओं का आधारशिला रखी है, उद्घाटन किया है, और जिसमें लगभग 126 करोड़ के करीब पानीपत को दिया गया है, जिससे पूरे प्रदेश में समान विकास कराया गया है। क्योंकि जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, पूरे देश में समान विकास है, और हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने न किसी साथ भेदभाव करके सभी 90 विधानसभा में विकास कराया है। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लगभग 11 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम किया, इसी प्रकार से 11.7 करोड़ घरों में जल से नल देना काम किया, 4 करोड़ से भी ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए गए, और जिसमें महिलाओं के 70% महिलाओं के नाम वो मकान दिए गए हैं। हमारे आयुष्मान भारत की जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की, करोड़ों लोग पैसे के अभाव की वजह से इलाज नहीं करवा पाते थे, लेकिन पहले उसकी 1,80,000 सीमा रखी थी, अब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिर उसको बढ़ा करके 3 लाख किया। केवल 1500 रुपये जमा करा करके 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड बनवा सकते थे। आज उस संख्या को बढ़ा करके कि कोई भी व्यक्ति गरीब आदमी बगैर इलाज के ना रहे, उस प्रीमियम जमा करा करके नॉर्मल सा वो 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड बना सकते हैं। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में 6,500 गाँव में से लगभग 5,659 गाँव में आज 24 घंटे बिजली दी गई है, और उन्होंने लाइन लॉसेज की बात की, पहले 2014 से पहले 39% लाइन लॉसेज था, आज केवल सिंगल डिजिट में 9-10% लाइन लॉसेज रहा है। तो इसलिए आज 24 घंटे से अर्बन है या लोकल देहात में है आज बिजली दी जा रही है। हमारे किसान भाई हैं,
किसान सम्मान निधि के तहत उन सबको आज 6000 रुपया केंद्र सरकार उनके खाते में भेजना काम करती है। और बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोऑपरेटिव लोन है किसानों के 30 मई 2023 से और 31 जुलाई 2024 तक जो कोऑपरेटिव लोन किसान भाइयों ने ले रखे हैं वो अपना जो प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसको समय पर जमा कराएंगे तो उसका ब्याज और पलंटी को भी माफ़ कर दिया जाएगा। तो इसलिए किसान वर्ग है चाहे हमारा व्यापारी वर्ग है चाहे हमारा मजदूर भाई है इस विशेष तौर से सबका ख्याल किया गया है। और मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूँ। कोरोना काल के बाद 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में आज फ्री राशन दिया जा रहा है और अगले 5 साल तक की गारंटी फिर प्रधानमंत्री ने दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके अलावा वर्चुअल माध्यम से 17 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। बात अगर करें उद्घाटन की तो हथवाला यमुना पुल व स्मालखा से आटा सड़क का उद्घाटन किया गया। वहीं रेरकला में 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया। बापोली में तालाब के नवीनीकरण, शिमला गुजरान में तालाब, गोयला कला में मंदिर वाला तालाब का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा गोयला कला में सुधा वाला तालाब व मतलोडा में तालाब जिसकी लागत 146.65 लाख रुपए है उसका भी उद्घाटन किया गया। इसके अलावा बाबरपुर में तालाब, राजाखेड़ी में तालाब, सिवा में बिरफला तालाब, सिवा में पंडित वाला तालाब और इसके अलावा पावर हाउस वाला तालाब का भी उद्घाटन किया गया। वहीं शिमला मोलाना में तालाब और चुलकाना में भी तालाब और इसके अलावा पसीना खुर्द में भी तालाब का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। एक तरफ जहां प्रदेश को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 4200 करोड़ की सौगात दी है तो वहीं दूसरी तरफ मंच पर बोलते हुए उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पिछले 10 वर्ष में पूरे देश में अथवा हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर की नई नई योजनाएं जो हमने शिलान्यास की उनका उद्घाटन किया। ये भी हो सकता है कि कुछ शिलान्यास हमारी सरकार आने से पहले के हुए हो, उन्होंने तो शायद पत्थर लगा के छोड़ दिया होगा शिलान्यास का, लेकिन अंतोगत्वा हमने उनका भी सबका उद्घाटन किया। और एक नई बात, आज भी जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हम कर रहे हैं इसका उद्घाटन भी हमको ही करना है। आचार संहिता लागू होने वाली है तो आचार संहिता से पूर्व की जितनी हमारी तैयारी थी उनका तो आज शिलान्यास उद्घाटन सब कर दिया है, लेकिन 3 महीने लगभग 2.5 महीने अब लोकसभा के चुनाव के कारण से आचार संहिता लागू हो जाएगी। निश्चित रूप से जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे मई अंत में अथवा जून के प्रथम सप्ताह में फिर से एक कार्यक्रम इसी प्रकार का किया जाएगा, फिर से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा। देश भर की विकास दर तो 6.7% है, हरियाणा की विकास दर 8% है। प्रगति का ऐसा मैं नहीं कहता कि पिछली सरकारों ने बिल्कुल की नहीं होंगी, लेकिन जिस प्रकार के काम उस समय होते थे एक रीजनल लेवल पर काम करके और अपने आप को इतनी तीसरी मान लेते थे, लेकिन हमने 2014 में आते ही कहा था हरियाणा का एक समान विकास ये हमारा मोटो रहेगा, ये हमारा ध्येय रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा ये हम नहीं आने देंगे। विपक्षी पार्टियां या जो हमारे आलोचना करने वाले लोग तो कहते हैं कि हम जब चुनाव आएगा तब घोषणा करेंगे हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। अभी विधानसभा में विषय उठा कि आपने जो बजट पेश किया है ये चुनावी बजट तो है नहीं। हमने कहा हम चुनावी बजट घोषणा नहीं करते, हम व्यक्तियों की जो वर्तमान आवश्यकताएं इस वर्ष की उसको देख करके बजट करते हैं। चुनावी बजट करने वाले केवल लोगों को लालायित करते हैं, उनको लोक लुभाव नारे देते हैं, हमारा वो काम नहीं है। हमको जब लगता है कि समाज के हित में ये बात अच्छी है हम नहीं देखते कि हमारे मैनिफेस्टो में था कि नहीं था, न हो हम काम की आवश्यकता लगता है यही समय आवश्यक है उसी समय योजना बना के उसको लागू करते हैं, हम नहीं देखते मैनिफेस्टो।
चुनाव आ रहे हैं, पार्टियां सब कहते हैं हम अपने मैनिफेस्टो में घोषणा करेंगे, हम ये करेंगे ये करेंगे, हम कहते हैं आप करते रहना घोषणा, हम तो करके दिखाएंगे कि हमने करना है तो ये करना आज ही लागू कर रहे हैं। कहने को पंजाब हमारा बड़ा भाई, हम छोटे भाई कहते हैं, लेकिन चूंकि एक ही साथ हमारा प्रगति का पैरामीटर शुरू हुआ था, लेकिन आज पंजाब के लोग भी मानते हैं नहीं हरियाणा से हम, हरियाणा जो है हमारे से बहुत आगे निकल गया है। आज के इस अवसर पर जैसा प्रारंभ में बताया कि लगभग 4200 करोड़ रुपए की योजनाओं का जो शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है, इस अवसर पर हर जिले में प्राय काम हुए हैं। यहाँ से उन सब जिलों के जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं सबको, मैं पूरी हरियाणा की जनता को विशेष तौर पर बधाई और शुभकामना देता हूँ। तो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को 4200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों की सौगात दी है और सभी की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कर दी है। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।